कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि जब भी हम कस्टर्ड बनाते हैं या तो हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो जाता है या पतला हो जाता है, तो चलिए आज हम आपको आसान और परफेक्ट तरीका बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक एप्पल, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसके पीसेस कर लिए हैं, ऐसे काट लिया है। और ये लिए हैं थोड़े से अनार के दाने, और यहाँ पे लिया है थोड़ा सा मैंगो, इसे भी काट लिया है। और ये लिया है ग्रेप्स, इसे भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और ये लिया है बनाना, बनाना के मैंने अभी पीसेस ले किए हैं, इसके पीसेस हम सेम टाइम करेंगे क्योंकि पहले से काट के रख लेने से ये ब्लैक पड़ जाता है। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि पपीता, स्ट्रॉबेरी, कीवी, अमरूद, खरबूजा। तरबूज को छोड़कर आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि तरबूज में बहुत ज़्यादा पानी होता है इसलिए हम कस्टर्ड में इसको नहीं डालते हैं। बाकी आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं अपनी पसंद के। और ये लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, किशमिश लिया है, आप कुछ भी, काजू, पिस्ता, कुछ भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। और ये लिया है मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर, और ये लिया है मैंने 2 बड़े टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना कम ज़्यादा मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से चीनी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वलीना फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और मैंने कस्टर्ड के लिए 1/2 लीटर दूध लिया है, और यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून बॉयल किया हुआ ठंडा दूध है। चलिए हम बनाते हैं कस्टर्ड। चलिए हम ले लेते हैं फ्राई पैन, फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। इसमें डालेंगे हम 1/2 लीटर दूध। फ्लेम को अभी हम हाई ही रखेंगे, हम हाई फ्लेम में ही दूध को भी बॉयल करेंगे ताकि जल्दी से दूध में उबाल आ जाए, और हम इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि तले में ये चिपके नहीं। और ये देखिए दूध हल्का सा गर्म हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे, और अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। ये देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है और ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे तो फ्रूट्स भी मीठे होते हैं इसलिए आप चीनी हिसाब से ही डालिए। अब हम चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए दूध को और पकाएँगे। और जब से ये दूध पक रहा है तब से हम कस्टर्ड भी घोल कर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून दूध डालेंगे। इसमें हम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका अच्छे से घोल तैयार करेंगे। कस्टर्ड को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। इसमें हम 2 टेबल स्पून दूध और ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारा कस्टर्ड घोल बनकर है रेडी, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। आप जब भी कस्टर्ड घोल बनाएं तो ठंडे दूध में ही बनाएं, गर्म दूध में बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि गर्म दूध में बनाने से लम्स पड़ जाते हैं और इस कस्टर्ड में लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और ये देखिए चीनी डालने के बाद हमने दूध को 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है, हल्का सा गाढ़ा हो गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हमें इसी तरह का रखना है क्योंकि अभी हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाए। चलिए अब हम इसमें डालते हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड डालने से पहले इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे चम्मच से। इसमें हमें एक साथ कस्टर्ड नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे हम इसमें, और इसे हम चलाते जाएंगे कस्टर्ड डाल के। चलिए इसमें और डाल देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कस्टर्ड डालते ही इसमें थिकनेस आने लग गई है। ये देखिए कस्टर्ड डालते ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है। कस्टर्ड डालने के बाद इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा, और तले में चिपक जाएगा तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा फिर खाने में। इसलिए हमें कस्टर्ड डालने के बाद कंटिन्यू चलाना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। कस्टर्ड डालने के बाद इसे हम 2 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। चलिए फिर उसमें डाल देते हैं कुटी हुई इलायची पाउडर। और ये देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, हमें इसी तरह का कस्टर्ड मिल्क चाहिए क्योंकि अभी ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसे हमें इसी तरह का रखना है। चलिए हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, और इसमें अभी हमें फ्रूट्स नहीं डालना है
क्योंकि अगर हम गर्म दूध में फ्रूट्स डाल देंगे तो दूध फट भी सकता है, इसलिए हम सबसे पहले कस्टर्ड मिल्क को ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसमें फ्रूट डालेंगे। तो चलिए हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी है तो पंखे के नीचे रख दीजिए, नहीं तो इसे ऐसे ही ठंडा होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें फ्रूट डालेंगे और ये देखिए कस्टर्ड मिल्क ठंडा हो गया। चलिए इसमें डाल देते हैं फ्रूट्स, डालेंगे एप्पल, ये मैंगो, ये ग्रेप्स, बनाना और ये थोड़े से अनार। चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम कस्टर्ड में कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट से गार्निश कर देते हैं ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया कस्टर्ड बनकर रेडी है। इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए और अपने फैमिली के साथ बैठकर इसका एंजॉय कीजिए। कस्टर्ड बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बना है, तो आप लोग भी बनाइए और खाइए। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।